ये बैठे गली में हैं, परंतु इसका एक बार आप खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। देखो ये सारे इस तरह से ग्लास इन्होंने भरे, मलाई होती है, वो इसमें ये लगा रहे हैं। ये इस तरीके से लच्छे लगाए जाते हैं और केसर इलायची बादाम कुछ भी डालना वो डाल दें। मेरे पिताजी की 1 रुपये की 16 कचौरी समोसे दही बड़े बेचे हुए, एक आने का एक रुपये में 16 आने होते थे और 16 ही पीस कचौरी समोसे दही बड़े बेचते तो तोड़ते हैं, वैसे तोड़ते हैं और इसमें ये चाट अंदर लिंक कर देते हैं जी। ये पपड़ी चाट पूरा नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जगह कैसी है, लेकिन तो दाल मोड़ पराठा भी मैंने आज तक ना तो सुना था ना खाया था, तो वो एक बार खा के देख लेते हैं। ये देखिए कैसे धुआं निकल रहा है गरम गरम। और हर संडे के रोज तो 20 किलोमीटर दूर से आते हैं, मानसरोवर माली नगर आगरा रोड से दूर दूर से आते हैं। मॉइस्चराइज्ड है लेकिन इसमें से पानी नहीं आ रहा, टेस्ट बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, खाते जाओ बहुत लाइट है। खम्मा गली दोस्तों, मेरा नाम है आशीष वाधवानी, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रीट फूड। सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा है, ये बड़ी चौपड़ है और आज हम अंदर जो खी वालों का रास्ता और ये जो स्ट्रीट फूड होते हैं वहाँ एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ और क्या बेस्ट मिलता है। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए। तो अब हम जा रहे हैं कुल्फी वाले के यहाँ। ये घी वालों का रास्ता से जब आप सोरास्कर लेन में चलोगे, ये राइट हैंड पे एक कट आता है, तो एक ये छोटी सी गली आती है। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा एक पेड़ है, यहीं पे कुल्फी वाला है, सियाराम कुल्फी के नाम से। आपको ये पेड़ दिख जाएगा, इस पेड़ के नीचे ये लगाते हैं। इनके यहाँ पे आपको लस्सी मिलेगी, जो मीठी लस्सी होती है वो, और रबड़ी मिलेगी। ये दोनों चीज़ें इतनी अच्छी तरह से ये बनाते हैं। तो अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इनके अंदर कारखाने में, जहाँ पे ये बनता है, ये प्रोसेस होता है। तो अंदर हम जा रहे हैं इनके कारखाने में, जहाँ पर मेरे ख्याल से मेकिंग हो रही है अभी। अच्छा सेठ जी हैं क्या? नमस्कार सर, इधर क्या बन रहा है अंदर? तो ये है, यहाँ पर बनती है सारी चीज़ें इनकी। ओहो हो, क्या बात है। तो सियाराम कुल्फी का ये कारखाना है, जहाँ पर देखिए ये दूध है, ये पहले दूध गर्म करके इसमें उकाली लिया जाता है। उकाली लेके फिर इसके इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से लच्छे लगाए जाते हैं। अच्छा, ये जो मलाई आती जाती है इसको आप लच्छों के रूप में ऐसे साइड करते जाते हो? इसको लच्छा रबड़ी बोलते हैं। अच्छा, ये सब में ये लच्छा जो है ये अलग ये कर रहे हैं और लच्छे छड़ के ये नीचे उतारी जाती है ऐसे ऐसे। अच्छा, ऐसे उतार देते हैं नीचे। फिर ऐसे झोल ठंडा हो जाता है ना, फिर इसको सुखाया के लच्छों को इनमें डाला जाता है। अच्छा, ये सारे ये रबड़ी का है? हाँ, फिर इसमें और केसर इलायची बादाम कुछ भी डालना वो डाल देते हैं, फिर ये ऐसी हो जाती है लास्ट में बनने, है ना? हाँ, लच्छा रबड़ी हो जाती है ये लच्छा। देखो ये ऐसे गिरता है, देखो ऐसे गिरता है इसमें, फिर इसमें केसर घेरी जाती है, फिर ये इसका कलर ऐसी हो जाती है केसर की, इसमें केसर घेरी। दूध का आइटम है, पूरा दूध ही है। फिर ये रबड़ी इसमें डाली जाती है, ये वाली प्योर रबड़ी, ये प्योर। और फिर इसको क्या है, नमक ऐसे भर के और ऐसे डाटा लगा के और बर्फ नमक में जमाया जाता है। तो ये पूरा इनकी तैयारी हो रही है अभी कुल्फी वगैरह की। रबड़ी अंदर रेडी हो ही रही थी जैसा कि आपने देखा पूरा प्रोसेस, और अभी ये फिर छोटे छोटे उसमें कुल्फी के बॉक्स में भर के उनको जमाया जाएगा। ये उसी के लिए इतनी सारी बर्फ़ की सिल्लियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और अब हम दोबारा जा रहे हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर दुकान है जहाँ से ये सारी चीज़ें फिर बेची जाती हैं। तो ये देखा अभी आपने पूरा प्रोसेस कैसे इनकी रबड़ी बनती है, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से रबड़ी बनाई जाती है। फिर बाहर जब आप यहाँ आते हैं, ये देखिए ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे इनकी ये शॉप है सियाराम कुल्फी के नाम से, बहुत टाइम से है ये, बहुत पुरानी शॉप है। और फिर यहाँ पर आपको प्योर रबड़ी, केसर रबड़ी की कुल्फी, केसर रबड़ी और लस्सी मिलती है यहाँ पे। लस्सी आप चीनी डाल रहे हो उसमें ना लस्सी के लिए? इनका स्वाद एमआई रोड वालों से भी अच्छा है। एमआई रोड वालों से अच्छा है सर? तो ये आप हाथ से ही करते हैं? हाँ साहब, उनका काम सारा मशीन से, इनका सारा काम हाथ से। ये तो सही बात है, उनका मैंने देखा है मशीन से करते हो।
वैसे आप सर आप कब से कर रही हैं वाला काम? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए और यही बैठ रहे हो 50 साल से? 22 साल तो यहाँ, 22 साल बाकी साल उधर घी वाले रस्ते में। घी वाले रस्ते तो ये तो बन रही है लस्सी। लस्सी बंदर बहुत तो दम कर रहे हैं बेटा। गिर गए अब, चाट के खा रहा है मजे से, क्या बात है। केसर रबड़ी? केसर रबड़ी क्वांटिटी 440 किलो रबड़ी। अच्छा, के जी 440 रुपये के जी? हाँ। 40 रुपये कुल्फी। और ये लस्सी? लस्सी 35, बड़ी 40। छोटी 35 और बड़ी 40। हाँ। मीठी लस्सी, रबड़ी लस्सी, कैसे पिस्ता लस्सी, बढ़िया चीज़ है, फेमस। ये बैठे गली में हैं, परंतु इसका एक बार आप खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। आप कहाँ से आए? आप कुछ बोल रहे? मैं रहता जयपुर से, परंतु आज 30 साल से मैं मद्रास रह रहा हूँ, परंतु जब भी आता हूँ इनकी लस्सी और ये कुल्फी खा के जाता हूँ। मैंगो रबड़ी, सीताफल रबड़ी, कैसे पिस्ता लस्सी और मिश्री मावा। कितनी देर लगती है बनाने में? तैयार है सर, तैयार है। जल्द से सिकोड़े लगा दे लस्सी के। क्या बात है, मतलब ये अब ये पूरा आप भर रहे हो तो ये क्या जमाओगे आप या क्या करोगे? अंदर रखिए फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रखोगे फिर? हाँ, जैसे ठंडा ठंडा हो जाएगी, चिल्ड हो जाएगी। हाँ, फिर आएगा आनंद पीने का। देखो ये सारे इस तरह से ग्लास इन्होंने भरे। अब ये जो दही का लच्छा होता है ऊपर से, जो मलाई होती है, मलाई वो इसमें ये लगा रहे हैं। और फिर इसको आप फ्रीजर में रख दो, फ्रिज में रख दोगे एक्चुअली। हाँ। ना ठंडे होने के लिए, ठंडी होने। और फिर जैसे जैसे कस्टमर आते जाएंगे उनके ऑर्डर पे उनको देते जाएंगे, राइट। तो यही प्रोसेस ज़रूर होता है इसमें। हाँ। क्या बात है। वैसे ये बहुत भारी है उठाने के लिहाज से देखा जाए तो। मैं इसको नीचे रख दूँ? हाँ। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो ये है, हमने एक लस्सी ली है जो पुराना सिटी का जो होता है, जैसे शॉप होती है वैसे ही है। ये इनकी लस्सी है, बिल्कुल ठंडी ठंडी है। अभी इन्होंने इस फ्रीज़र में से हमको फ्रिज में से निकाल के दी है, और नीचे थोड़ा बर्फ़ भी जमा हुआ है तो बिल्कुल चिल्ड है। ये ऊपर आप देख सकते हो कि इनका मलाई है। मैंने MI रोड पर भी लस्सी पी है, टेस्ट लगभग आपको सेम मिलेगा। जो मीठा है वो ज़्यादा मीठा नहीं है, एक बैलेंस्ड मीठा आपको मिलेगा। गाढ़ी है, ठंडी है तो, क्योंकि गर्मी का और उमस का मौसम है अभी, तो ठंडा है तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। बाकी आइए बैठते हैं। और अभी हमने जो है वो रबड़ी भी उनको बोला है, रबड़ी भी आएगी, हम वो भी खाएंगे और आपको बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। मलाई है इनकी, कितनी थिक मलाई है आपको इसमें मिलेगी, मतलब ना बारिश तो सिर्फ 2-3 बार हुई है जिससे उमस बहुत हो गई है, गर्मी बहुत और बहुत ही पसीना आ रहा है, उसमें अगर आपको इस तरीके की ठंडी और रिफ्रेशिंग चीज़ मिल जाए ना, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया सर, उसमें डालकर पियो लस्सी के अंदर, बोलो लस्सी भी है। हाँ, वो कुछ लोग खाते हैं इस तरह से। हाँ। क्या बात है। तो इनका ये कहना है कि कुछ लोग रबड़ी भी लेते हैं, लस्सी भी लेते हैं, उसको मिक्स करते और खाते और पीते हैं। शौक है साहब, हर किसी का अलग अलग होता है। मुझे मीठा बहुत कम पसंद है, बट इनका जो मीठा वो बैलेंस्ड मीठा है। बाकी एक बार हम ये भी ट्राई करके देखते हैं इनकी रबड़ी कैसी है। आइए मैं इसका पहले टेक्सचर दिखा देता हूँ आपको। आप ये देखिए, ये जो लच्छे जो अभी हम आपने बनते हुए अंदर देखे थे, जो कढ़ाई में दूध को उबाल करके प्रॉपर जो ऑथेंटिक, आप देख सकते हैं जिस तरह से इसके लच्छे हैं, जो क्वालिटी है। अब इसको एक बार खाते हैं और आपको बताते हैं। रबड़ी बहुत ही सही है, मतलब मैंने जोधपुर में रसमलाई खाई थी, मुझे लगा था वही सबसे बेहतर होगा, लेकिन जब आप यहाँ आओगे और ये खाओगे ना, कॉम्बिनेशन बहुत ही सही है। इसके लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार सियाराम कुल्फी आएँ और ये एक बार ज़रूर खा के देखें। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो देखा आपने, हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे, हमने लस्सी भी पी, हमने रबड़ी भी इनकी टेस्ट की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जयपुर में इतना सही टेस्ट कोई रबड़ी में दे सकता है। केसर रबड़ी में बहुत ही अच्छी थी, और इस केसर रबड़ी के लिए मैं आप सबको बोलूँगा
दिस इज़ माई रिकमेंडेशन टू यू कि आप इस जगह पर कभी भी सिटी में आते तो इस जगह ज़रूर आए और एक बार ये खा कर देखें। यहाँ का मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, सुबह 8 बजे ये लोग लगा लेते हैं यहाँ पे और रात को 10 बजे तक आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अब आइए चलते हैं हम दूसरी जगह पे और आपको बताते हैं वहाँ का टेस्ट कैसा है। तो ये है श्री जी खमन वाला, आप देख सकते हो दुकान का साइज़ अगर आप देखोगे तो आप सोच नहीं सकते ये इतना छोटा साइज़ है दुकान का, लेकिन कहते हैं भगवान की कृपा है, यहाँ पे इनका जो ये खमन है बहुत फेमस है और इसी में इनकी बहुत बरकत है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर पैकिंग करवाते हैं और कुछ लोगों को अगर यहाँ पे खाना होता है तो यहाँ पे खाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इनका पैकिंग का ही रहता है, लोग आधा किलो, एक किलो, दो किलो। और मैंने देखा कुछ तो इनके पूरी पूरी ट्रेस भी जो हैं वो बुक की हुई हैं, अलग से इन्होंने रखी हुई हैं। हमारे दुकान को 27 साल हो गया है ना, और बिना पानी के खमन मिलेंगे हमारे, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और हर संडे के रोज़ तो 20 किलोमीटर दूर से आते, मानसरोवर, माली नगर, आगरा रोड से दूर दूर से आते, लाइन लगती है संडे को तो। हाँ, देख लेना आप। ये जब बनाते हो तो कितनी क्वांटिटी में आप बनाते हो? हम रोजाना 30-40 किलो बनाते हैं। शॉप खुलती है कब? 8:30 बजे खुल जाती है, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पहले समर खत्म हो जाए। तो एक हमारे लिए एक प्लेट लगाइए। हाँ, वो तो लगा दूंगा, दो लगाऊंगा, एक नहीं। तो अभी हमने जो खमन लिया है ये दो हमने प्लेट खमन के लिए, एक में हमने चटनी नहीं डलवाई है और एक में हमने हरी चटनी डलवाई है जो कि यहाँ पे मिलती है, और लेकिन प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो आज हम भी इसको खाएंगे और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। ये है श्री जी खमन वाले और आज हमने यहाँ पर खमन लिए हैं, तो इसका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो ये कितना स्पंजी है ना, स्पंजी होने के बाद भी इसमें से देखो पानी नहीं आ रहा, जो अक्सर आप कहीं पर लेते हैं तो उसमें से वो जो पानी है मीठा वो डुल रहा होता है। क्वालिटी अभी हम खा कर देखेंगे, स्पंजी तो बहुत है। और ये चटनी वाला है, पहले चटनी वाला हम खा करके देख लेते हैं। तेज बहुत प्रॉपर आ रहा है यार, मतलब ये देखिए, ये इन्होंने इस पे दिए हैं मिर्ची, हरी मिर्ची है, इस पे धनिया डाला है और इसमें हरी चटनी भी डाली है। और मैं बता देता हूँ आपको, मैं गुजरात अहमदाबाद में भी खा चुका हूँ इनको, मेहसाना में भी खा चुका हूँ, तो वो वाला टेस्ट आपको जयपुर में मिल रहा है बहुत बड़ी बात है। शायद यही कारण है कि श्री जी खमन वाले का जो खमन है वो बहुत फेमस है, टेस्ट बहुत अच्छा है, जयपुर में बहुत फेमस है। देखिए कस्टमर भी बता रहे हैं, पूरे जयपुर में है ना, LMB में नहीं मिलेगा, LMB में भी नहीं मिलेगा ऐसा, क्या बात है। तो क्योंकि ऐसा खमन मैंने जयपुर में तो पहले नहीं खाया। आपसे भी मैं ये कहूँगा, अगर आप खमन खाने के शौकीन हैं या गुजराती खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। इसका पूरा प्रॉपर एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से लोकेशन देख सकते हैं। मतलब ना मुझसे रहा नहीं जा रहा, टेस्ट बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है खाते जाओ। मतलब नाश्ता अगर आप कर रहे हैं सुबह का तो बहुत लाइट नाश्ता है ये, कर सकते हैं, और इसके लिए एक ऑटो करके तो यहाँ पे आया जा सकता है। तो आइए अब चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या इनके टाइमिंग्स रहते हैं, आइए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जैन मंदिर भी है ना? हाँ हाँ है ना, इसके बारे में थोड़ा बताओ। 3 जैन मंदिर है जयपुर में, सबसे पहले ये बना था। इस मार्केट को, इस जगह को क्या बोलते हैं? चाकसू का चौक, हल्दियों का रास्ता जाके। इसे इस एरिया में 5 जने मशहूर है भाई साहब। अच्छा, एक है ना परोठे वाला, उधर पराठे वाला, वो कोने में अभी ले जाएंगे आपको। एक है ये टोपी वाला, पूरे जयपुर में एक ही है। हाँ, एक टोपी बनाते हैं पूरे जयपुर में, एक ही दुकान। हाँ, वर्षों से भगवान के नाम से है, सीजी खमन वाले भगवान के नाम से ही चलता है। कितना ले रहे हैं, क्या क्वांटिटी? ये आधा किलो। आधा किलो क्या प्राइस है? 90 रुपये, 180 रुपये किलो। 180 रुपये किलो। हमारे में पानी नहीं आएंगे, पूरे जयपुर में पानी वाला मिलेंगे। अच्छा, मतलब इसमें पानी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल पानी नहीं। देखो, और ताजा। तो आप इनके रेगुलर कस्टमर हैं? रेगुलर, पिछले 5 साल से हम रेगुलर कस्टमर हैं और ऐसी खमन क्वालिटी जयपुर में और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हफ्ते में दो बार कम से। तो घर पे सबको पसंद होगा? बच्चों को बहुत पसंद है। मेरा नाम भाविन पटेल है, जयपुर में जन्म है, मित्र है, रोज सुबह आते हैं हम। अच्छा। दर्शन, भगवान के दर्शन करके यहाँ थोड़ा घंटा भर बैठ के फिर वापस घर जाते हैं।
पूरे जयपुर में इनके जैसे खमन नहीं है। बाकी जो मिले और प्राइस भी इनसे ज़्यादा है, ये 200-225 है किलो, और इनका है 180 रुपये किलो। और इनके खमन रोज़ ताज़ा बनते हैं और रोज़ ताज़ा ही बिक जाए, 12 बजे पहले बिक जाते हैं। बस यही है खमन, बस खत्म भाई साहब। तो अब ये देखिए इनकी ये एक ट्रे तो ये वाली है और एक ट्रे ये ऊपर पड़ी है लास्ट। टाइम भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 10 मिनट है और इनका सारा माल खत्म हो चुका है। अच्छा, चार ही ये पैक है, तो ये इसका क्या ऑर्डर है, ये कौन लेके जाएगा? अभी 10 ट्रे मानसरोवर भेजा मैंने। एक बार जयपुर आओ अने गुजराती टेस्ट ना खमन ढोकला ना टेस्ट जो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। चाय तो अभी अपन पीते हैं। इन्होंने बताया कि पास में एक शॉप है जहाँ की चाय और जहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस है, ये वाले। और एक ये जो राजस्थान कैप फैक्ट्री आप देख रहे हो ना, ये इनका कहना है कि ये कैप मेकिंग यानी टोपियाँ बनाते हैं और ये जयपुर में सबसे फेमस है। आइए सर, खुद लेके चल रहे हैं हमको दिखाने के लिए, आइए देखते हैं। ये भी जयपुर में एक्चुअली क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिटी की गलियों में तो बहुत कुछ से हम महरूम रह जाते हैं हमेशा, हमें पता नहीं चलता कि ये भी है ये भी है। तो जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है। अच्छा, ये नेहरू कैप है क्या? ये पूरे जयपुर में एक ही दुकान है। अच्छा हाँ, तो किस किस तरह की आप बनाते हो? इसी तरह की मारवाड़ी, मारवाड़ी टोपियाँ। 32 साल तो मेरे को बैठते हुए हैं। तो ये प्रॉपर बनी हुई पैकिंग वाली है ना ये? ठीक है, तो ये मारवाड़ी टोपी है ना? मारवाड़ी टोपी क्यों बोलते हैं इसको? तो सेठ लोग पहनते हैं, तो ये आज भी पहनते हैं क्या? ये कल्चर है अभी भी? कहाँ पहनते हैं ये लोग? जी पुराने धोती वाले लोग, और वो धोती कुर्ते वाले लोग मेरे ख्याल से जयपुर के सिटी एरिया में ज़्यादा होंगे ना? नहीं, बाहर भी है, अजमेर ब्यावर इधर सब तरफ पहनते हैं। एक टोपी की क्या कीमत है? वो 80 रुपये की है, अलग अलग रेट है। अच्छा, मिनिमम कितने की है? मिनिमम है 40 रुपये। एक बार 40 वाली भी दिखा सकते हो? तो ये 80 रुपीज़ की है, बहुत सही लग रही है। और ये क्या फैब्रिक है ये? अच्छा, कॉटन है, कॉटन से ये बनी है। ये तो 80 रुपीज़ वाली है। एक जो मिनिमम प्राइस है जो 40 रुपीज़ बता रहे हैं, उसका भी एक बार क्वालिटी देख लेते हैं कैसा है। हालांकि ये नई चीज़ है, ये सेठ वाली टोपी इससे पहले मैंने कभी देखी नहीं थी। ये वाली है ना? अच्छा, इसमें कलर्स भी मिल जाते होंगे ना? हर क्वालिटी में अलग अलग कलर्स। तो ये है, पहन के तो नहीं देखूंगा सर, सेठ लगूंगा मैं अभी। तो 40 और 80, ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर आपको, आप शौकीन हैं धोती कुर्ता पे, अगर ये लेना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं। एड्रेस आप देख ही सकते हैं, राजस्थान कैब फैक्ट्री है ये, नंबर ऊपर आपको दिख ही रहा होगा। बहुत बढ़िया, मतलब ये एक नई चीज़ और एक्सप्लोर करने को मिली जयपुर की गलियों में। ऐसे पहनते हैं मतलब जयपुर का सेठ। ठीक है, आगे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिना बोले, ठीक है? तो दिस इज इट फॉर नाउ, राजस्थानी कैब फैक्ट्री। अब हम चलते हैं श्रीराम कॉफ़ी शॉप और कॉफ़ी पी के देखते हैं कि कॉफ़ी कैसी है। तो आइए चलते हैं। अभी यहाँ पे सामने ही है श्रीराम कॉफ़ी, जिनकी कॉफ़ी यहाँ पे बहुत ही अच्छी बताई जाती है, फेमस बताई जाती है। अरे आपने बना भी दी क्या? हम तो मेकिंग दिखाएंगे, हम तो बना के दिखाओ। हालांकि चलिए कोई नहीं। तो ये है दो कॉफ़ी, इन्होंने पहले से ही बना दी, सो स्वीट ऑफ हिम। मतलब इसमें से खुशबू बताए कैसे आ रही, जैसे हम शादी में लेते हैं ना खाना खाने के बाद और उसको चॉकलेट डाल के देते हैं, वैसा सा ही मतलब बिल्कुल है ना। और ये वही कॉफ़ी है जो आपकी जीभ जला देती है एकदम से। आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा शादियों में ऐसा। तो सर ये कितनी मतलब कब से आप ये बना रहे हो यहाँ पे? 7 साल हो गए। मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ अलग डालते हो? ठीक है, प्योर गोल्ड का दूध डालते हैं, गोल्ड का दूध कॉफ़ी डालते हैं, स्ट्रॉन्ग बढ़िया बनाते हैं। जी जी, आपकी तो लाइट बनाई। अच्छा, मेरी लाइट बनाई है, ऐसा क्यों? क्या उम्र के साथ जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते हैं वो। अच्छा, थोड़ा बच्चों को थोड़ा लाइट। हम बच्चों की कैटेगरी में हैं वैसे। चलो ठीक है, मतलब 31 साल का हो गया हूँ लेकिन लोग बच्चा कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि मैं अभी थोड़ा अच्छा लगता हूँ। चलो कॉफ़ी पी के देखते हैं। कॉफ़ी अच्छी है, हालांकि ज़्यादा लाइट भी नहीं है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, एक बहुत ही सही। मैंने जैसा कि कहा था ना, ये जो शादियों में हमने पी है ना कॉफ़ी, ऊपर से चॉकलेट डाल के, वैसा सही टेस्ट है, गर्म है, बहुत सही लग रही है। ये वैसी है, मतलब मैंने जयपुर में बहुत जगह कॉफ़ी पी है,
तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ जो स्टैचू सर्कल पे कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी अगर आप वहाँ पे पियेंगे तो क्वालिटी वाइज ये सर सही बोल रहे हैं, जो दूध ये इस्तेमाल करते हैं शायद बहुत सही करते हैं, इसलिए बहुत सही टेस्ट आ रहा है। तो ठीक है, ये है श्रीराम कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी। अगर आप यहाँ आते हैं परकोटे में कभी सिटी में तो ये एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। अब इसको फिनिश करते हैं और चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अब आप जैसा कि देख सकते हो ये पूरी शॉप्स बंद हैं, सुबह का कुछ 10 बजे का टाइम हो रहा है, अभी ये मार्केट खुलने वाला है। लेकिन यहाँ पे पास में हमने सुना है कि एक पराठे वाला है जो कि बहुत फेमस है और जो 62 टाइप्स के पराठे बनाते हैं, 62 तरीके के पराठे वो लोग बनाते हैं। तो आइए वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि उनका पराठे का टेस्ट कैसा है, कितनी वेराइटी है, वहाँ चलते हैं और आपको बताते हैं। आइए, तो ये गलियां हैं जयपुर की, छोटी छोटी गलियां होती हैं, हवेलियों बनी हुई होती हैं, बहुत रो मतलब जब आप सुबह के वक्त यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अच्छा, ये है पराठा शॉप, शॉप नंबर 22, पराठा शॉप, शुद्ध देसी घी में निर्मित 100 से अधिक प्रकार के पराठे, मतलब मैं तो 62 ही बोल रहा था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 से ज़्यादा है। आइए अंदर चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके के पराठे ये बनाते हैं। ये भैया कौन सा चीज़ पराठा है? क्या ये शेजवान चीज़? शेजवान चीज़ पराठा है ना। तो सबसे पहले तो ये कितनी पुरानी शॉप है? और ये सर ये सिंस 1992 है। फादर जी, उन्होंने फादर ने शुरू की थी। तो ये क्या खास है? खास सर ये है कि अपने प्योर देसी घी का यूज़ है जब से स्टार्ट हुए, जब से पहले ये था कि अपने करीबन वही जो बेसिक पराठे होते हैं 6-7-8 पराठे 10 पराठे पकड़ लो, उससे स्टार्ट किया था। बढ़ते लगभग हर साल एड ऑन होते गए हैं उसमें पराठे। और हमने और सबसे यूनिक क्वालिटी वाला पराठा कौन सा होगा सर? 150 में एक तो बहुत पॉसिबल है नहीं है, हमने टॉप 10 इसीलिए सेलेक्ट कर रखे हैं। टॉप 10 सेलेक्ट किया। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने दो वैरायटी जो चीज़ में सबसे ज़्यादा चलती है ना वो ये दो डाल दिए। अच्छा, अब ये पनीर में जो चलते हैं वो एक दो ये तीन, ये अपन तीन पनीर वाली हो गई। स्वीट में ये मावा मेवा पराठा ये सबसे ज़्यादा चलता है। तो मुझे कुछ यूनिक खाना है तो आपको क्या लगता है? और मैं मीठा नहीं खाता तो मावा वाले को हटा दो। हाँ तो यूनिक देखिए, तो एक अपना ये है दाल मोठ पराठा है, ये नमकीन का बनता है। अच्छा, ये सबसे क्रिस्पी पराठा है यहाँ का। तो आज हम दाल मोठ पराठा ही बनवा लेते हैं यहाँ पर, दाल मोठ पराठा, क्योंकि मैंने आज तक ना तो सुना था ना खाया था, तो वो एक बार खा के देख लेते हैं। अभी बन जाएगा ये? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो सर मेकिंग करते हैं, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी जगह है। देखो ये इतनी सी जगह में ये इतने 150 पराठे बनाते हैं, बहुत ही कम जगह है ये, लेकिन ठीक है। देखो होता क्या है कि कोई चीज़ में टेस्ट होता है ना, अगर वो चलनी होती है तो कहीं से भी चल जाती है। जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था खमन, कितनी सी जगह थी, तो अगर आपके पास टेस्ट है तो लोग कहीं पे भी आएंगे और खाएंगे। अगर आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये यहाँ पर आप आ सकते हो। और तो ये तो इनका मेकिंग एरिया है और यहाँ पर हालाँकि इनके पास 150 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं पराठे की, लेकिन इन्होंने क्योंकि 150 वेराइटी में क्या होता है कि आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। तो इन्होंने एक ये टॉप 10 बेस्ट सेलर पराठों का एक लिस्ट यहाँ पे लगा रखा है प्राइस के साथ में, आप देख सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें से अभी एक ऑर्डर हमने भी दिया है, वो हमारे लिए रेडी हो रहा है। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह की बैठक है, क्योंकि क्या होता है सिटी एरिया में जगह कम होती है, लेकिन उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया है इन्होंने कि आप यहाँ आएंगे, ये 2-3 सीढ़ियाँ आप उतरेंगे तो आपको ये एक बैठक दिखेगी, पुराने ज़माने की जो लकड़ी की टेबल्स हुआ करती थी पहले 80s में 90s में, इसी तरीके के कॉफ़ी शॉप्स हुआ करते थे, रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे, तो वही फील है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और सर्दियों में अगर आप आएंगे तो और ही आनंद आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा वॉश बेसिन यहाँ पे दे रखा है और वहाँ यहाँ पे ऊपर भी सेम तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये छोटी सी एक जगह है, यहाँ पे मंदिर है और मंदिर से ऐसे ऊपर आती, देखिए मैं पूरा नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जगह कैसी है, लेकिन ऐसी जगह का एक अलग फील होता है। तो ये भी अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। तो आइए चलिए नीचे बैठते हैं, हमारा ऑर्डर लगभग रेडी होने का होगा, खाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ का जायका कैसा है। तो ये लग गया है हमारा पराठा यहाँ पर ऑलरेडी। तो ये है, हमने दाल मोठ पराठा लगवाया। दाल मोठ पराठा मैंने तो आज से पहले नहीं सुना था, ना ही खाया था, मेरे ख्याल से आपने भी शायद ना खाया हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रिपरेशन कैसी है, बहुत गरम गरम है और ये इन्होंने सर्व किया है एक पराठा, जो साइज़ है पराठे का नॉर्मल है, जैसे एक रोटी का साइज़ होता है उस साइज़ में ये पराठा दे रहे हैं।
एक चटनी है जो कि पुदीना और दही की जो चटनी होती है वो है, और दही है जिसमें इन्होंने मसाला डाला है, और ये थोड़ा सा इसमें अचार है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि ये बहुत गर्म है, हम इसको इसकी लेयर खोलते हैं ऊपर की और आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे धुआं निकल रहा है गरम गरम इसमें, आप ये देखिए। एक्चुअली हमारे जयपुर में ना हर चीज़ का एक डेडिकेटेड मार्केट होता है, ऐसे ही एक नमकीन का भी मार्केट यहीं पर है, वहाँ से इनका कहना है कि ये नमकीन मंगवाते हैं प्योर अच्छी जो फेमस है यहाँ की जयपुर की, उसी से ये पराठा बनाते हैं। मोट पराठा का मतलब होता है कि जो एक मोट की एक नमकीन आती है, ये देख रहे होंगे आपने कभी किसी नमकीन में ऐसा देखा भी होगा, प्याज भी है इसमें और धनिया मिर्ची भी डाला गया है। तो अब इसको मैं खाकर देखता हूँ और आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको है ना रॉ खाते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। हम पराठा लेते हैं, नमकीन उठाते हैं और खाते हैं, कैसा टेस्ट आता है? वैसा सा टेस्ट है क्योंकि नमकीन से बना हुआ है, ठीक है। प्याज का टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहा है, और जो इसमें मिर्ची डली हुई है, देखो हरी मिर्ची इसमें आपको दिखेगी, तो हरी मिर्ची नमकीन और प्याज का बहुत सही टेस्ट आ रहा है। दही के साथ भी एक बार खा के देखता हूँ, क्योंकि पराठे के साथ दही का एक अलग ही मज़ा होता है। दही के ऊपर इन्होंने चाट मसाला डाला है, इतना सही लग रहा है। एक बार मेरे कहने पे यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ये वाला पराठा ऑर्डर करके ज़रूर खाइएगा। हालांकि इनके पास 150 से ऊपर वैराइटीज़ है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ एक बार ज़रूर मंगा के खाइएगा। जो ये कॉम्बिनेशन है, जो इनकी प्रिपरेशन है, इसको मैं रेटिंग दूंगा 5 out of 5। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पराठा। पराठे की प्राइस है सिर्फ 90 रुपये। 90 रुपये में आपको ये पराठा और एक ये प्रिपरेशन मिलती है, ये थाली मिलती है। और अब मैं इसको कर लेता हूँ फिनिश और आपसे मिलता हूँ किसी दूसरी जगह पर। तो ये घी वालों का रास्ता में है अभी हम, और यहाँ पर ये जो एक चाट वाला है बहुत ही फेमस है और बिल्कुल राजस्थानी लुक में बैठते हैं। तो आज हम यहाँ पर खाएंगे और आपको बताएंगे इनका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे तो बन रही है कचौरियाँ, और ये हैं छोटे से, इसमें भी दाल की फिलिंग होती है, आपने खाए होंगे पहले। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये कांजी बड़ा है। कांजी बड़ा मैं हालांकि पहले भी दिखा चुका हूँ अपने स्ट्रीट फूड वाले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हो, पहले की वीडियो में मैंने दिखाया है कांजी बड़ा। ये राजस्थान में बहुत फेमस होता है एक्चुअली। और ये है दही बड़े के बड़े, ये मठरी है, और इस तरीके से यहाँ पर ये पैकिंग करके भी बेचे जाते हैं। और ये बहुत यूनिक चीज़ है, ये नई चीज़ थी यहाँ पर, जो कि बेजड़ की मठरी है। कचौरी, दाल की कचौरी, समोसे, मतलब ये फुल ऑन है। मतलब आपको स्ट्रीट फूड जब खाने जाते, चाट खाने जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, और इतने अच्छे और इतने सही राजस्थानी लुक वाले अंकल दिन बन जाएगा आपका। तो श्री राम चाट सबसे बेस्ट है। कांजी बड़ा, दही बड़ा बहुत वर्षों से चल रही है अपनी दुकान, 70 साल। मेरे पिताजी की 1 रुपये की 16 कचौरी समोसे दही बड़े बेचे हुए, एक खाने का एक, 1 रुपये में 16 आने होते थे और 16 ही पीस कचौरी समोसे दही बड़े बेचते थे। ये चौथी पीढ़ी काम कर रही है दुकान पे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, तीसरा मैं, चौथा ही मेरे। और ये पपड़ी चाट है, ये बेजड़ की मठरी है, ये तो अभी नया आइटम चालू किया है। हाँ जी, ये कब से स्टार्ट किया? ये अभी लॉकडाउन बाद में चालू किया। लो भैया आप भी टेस्ट करो। एक ये शक्कर पारे टेस्ट करो आप। हाँ बस 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 बस, चाय के साथ भी। देखो भाव जी, ऐसा है कि अब हर आदमी अपने अपने मिजाज का है। एक हमारे यहाँ की पपड़ी चाट बहुत फेमस होती है, गुंजिया वाली, वो गुंजिया वाली पपड़ी ले आता है 500 जी, जो वर्षों से चलती आ रही है, उसको नाव भी बोलते हैं, बोट भी बोलते हैं, पपड़ी चाट भी बोलते हैं। और इसके अंदर ये आलू की चाट, ऐसे ये आलू है, ये मसाले के आलू होते हैं, ऐसे काट करके इसका चाट बना करके ये तो
जी वो दही वो आती है मावे की गुंजिया है ना, मावे की। अब ये एक पपड़ी चाट बना के खिलाता हूँ आपको, जिसको ऐसे जैसे गोलगप्पे को तोड़ते हैं वैसे तोड़ते हैं, और इसमें ये चाट अंदर फिलिंग कर देते हैं। अभी चाट पहले आपने बनाई, उसके बाद जी चटनियाँ डाल रहा जी। ये हरा धनिया पुदीने की है, ये सौंठ की है, सौंठ की जी। ये ऊपर से दही डाला है जी, ये पपड़ी चाट। इसका मीटर इसको गुंजी चाट भी बोलते हैं, गुंजी चाट, क्योंकि इसका जो शेप है जी गुंजिया जैसा। पपड़ी चाट भी बोलते हैं, आलू मसक भी बोलते हैं। तो साहब अब हम आए हैं घी वालों का रास्ता में, जैसे ही आप जौहरी बाजार है, जौहरी बाजार से घी वालों का रास्ता में एंटर करते हैं ना, तो एंटर करते ही कुछ मेरे ख्याल में 50-100 मीटर पे ही आपको श्रीराम चाट भंडार दिखेगा, जहाँ पे ये भाई साहब बैठे हैं बिल्कुल राजस्थानी लुक में, पगड़ी बांध के, बहुत ही सही इनका राजस्थानी लुक है। और यहाँ पे लोग आते हैं इनकी चाट खाने के लिए, जो कि बहुत फेमस है। और ये आज हमने एक अलग चाट बनवाई है, जो मेरे ख्याल से पहले इस शेप की चाट आपने तो नहीं खाई होगी। गुजिया होती है मावे की, गुजिया आपने देखी होगी, सबने खाई भी होगी, मीठी होती है। जो उसका शेप होता है उसी शेप में इनका जो ये है पपड़ी, ये इस तरह की प्रिपरेशन होती है। और एक बार अब हम इसको खा के देखते हैं। तो ये है देखो, जब भी कोई भी चाट खाई जाती है ना, तो उसमें जो सबसे बढ़िया जो टेस्ट आता है वो आता है चटनियों का। इसमें दो तरीके की चटनियाँ इन्होंने डाली है, एक तो है हरी चटनी जो कि तीखी है, और सौंठ की चटनी, पुदीने की चटनी और सौंठ की चटनी इन्होंने डाली है। सौंठ की चटनी का जो मीठा और सौंठ का जो स्वाद आता है ना चाट में, और आलू, इनका जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है टेस्ट के मामले में। सुबह का समय, घी वालों का रास्ता, पपड़ी चाट सॉर्टेड है, मतलब फिर पूरे दिन आपको ऐसे आनंद आता रहेगा कुल मिला के। ये कितने की होती है, इसका क्या प्राइस होता है? ये 45 रुपीज़ की होती है। इस चाट को मेरे ख्याल से दो जने आराम से खा सकते हैं। तो ये इनके पास में पूड़ी भी मिलती है, और ये पूड़ी और मसाला, ये क्या है, ये आलू छोले की सब्जी है ना जी। तो आलू छोले की सब्जी और पूड़ी, पूड़ी कौन सी बोली आपने? ये बेड़वा पूड़ी, मसाले की पूड़ी होती है, मसाले की पूड़ी होती है, सब्जी के साथ खाएगा। तो मतलब पूड़ी और ये आलू छोले की सब्जी भी आप यहाँ पे ले सकते हो। देखिए लोग पैकिंग भी करा के लेके जाते हैं यहाँ से, छोले भटूरे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब कम्प्लीट है आपको यहाँ पे छोले भटूरे से लेके, या फिर प्याज की कचौरी, समोसे, पपड़ी चाट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जब भी आप घी वालों का रास्ता आते हैं एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा, हाईली रिकमेंडेड। और इनके लुक के तो क्या कहना है, क्या बात है, मतलब ये राजस्थानी लोग आप शुरू से लेते हो, इसकी कोई खास वजह? बिल्कुल, ये अपनी पहचान है, ये अपनी राजस्थानियों की पहचान है, दुकान की पहचान है। अच्छा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, ये थे कुछ और जायके पिंक सिटी जयपुर के। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए बी हैप्पी।